हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। तो आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लासेस कंप्यूटर्स में कंप्यूटर एंड इट्स यूसेस क्लास सेकंड्स। यूसेस ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस। सम ऑफ कॉमन प्लेसेस वेयर ए कंप्यूटर इज यूज्ड। कंप्यूटर का प्रयोग बहुत जगहों पर होता है। कुछ कॉमन प्लेसेस के बारे में हम जानेंगे जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एट होम, घर पर। सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल, घर पर हम किसी भी मेल को सेंडिंग एंड रिसीव करने के लिए। सॉल्विंग सम, सम को सॉल्व करने के लिए। सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए। लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवी, म्यूजिक सुनने के लिए और मूवी देखने के लिए। एंड प्लेइंग गेम्स, और गेम्स खेलने के लिए। मेकिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एंड फाइंडिंग वर्ड मीनिंग इन अ कंप्यूटर डिक्शनरी, और किसी भी वर्ड के मीनिंग को फाइंड करने के लिए कंप्यूटर डिक्शनरी में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इन स्कूल। स्कूल में हम कंप्यूटर का क्या यूज़ करते हैं। टीचिंग स्टूडेंट बाई यूजिंग द कंप्यूटर एज टीचिंग एज। टीचिंग स्टूडेंट टीचिंग एड्स के रूप में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ड्राइंग एंड कलरिंग द पिक्चर, पिक्चर्स को ड्राइंग करने के लिए एंड कलर करने के लिए। मेकिंग टेस्ट पेपर एंड रिपोर्ट कार्ड, टेस्ट पेपर बनाने के लिए एंड रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। प्रिपेयरिंग टाइम टेबल्स प्रिपेयर करने के लिए। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए। एंड टाइपिंग सर्कुलर को टाइपिंग करने के लिए। ये सारे यूजेस जो है हमारा कंप्यूटर्स का स्कूल में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एट शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटिंग एंड मेकिंग बिल्स, कैलकुलेट करने के लिए और बिल बनाने के लिए। कीपिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम के लिस्ट बनाने के लिए। इन ऑफिस, ऑफिस में क्या यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। टाइपिंग लेटर एंड डॉक्यूमेंट, लेटर को टाइपिंग करने के लिए एंड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल को सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूजिंग फॉर कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन का यूज़ किया जाता है। स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। ये सारे काम ऑफिस में कंप्यूटर्स पर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। यहाँ पर कंप्यूटर का क्या यूज़ किया जाता है। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द पैसेंजर, सारे पैसेंजर के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। बुकिंग टिकट्स बुक किए जाते हैं। नोइंग द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, और ट्रेन और एरोप्लेन के पहुंचने और जाने के समय को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इन बैंक्स। बैंक में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है ये हम जानेंगे। कीपिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कस्टमर, सभी कस्टमर के इंफॉर्मेशन को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। टेकिंग मनी फ्रॉम ATMs से मनी निकालने के लिए। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट्स एंड रिसिप्ट, पेमेंट बैंक से कितना निकाला गया है, कितना रिसीव किया गया है और कितना जमा किया गया है, ये मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में क्या यूज़ किया जाता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेशेंट, सभी पेशेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया जाता है। नोइंग मोर अबाउट डिजीज एंड देयर कॉजेस, और बहुत सारे डिजीज के बारे में जाना जाता है और उसके क्या कारण हैं ये भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर का यूज़ क्या किया जाता है। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स एंड लॉन्चिंग सैटेलाइट, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के रूप में एंड लॉन्च सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इन एनिमेशन मूवी। एनिमेशन मूवी बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेकिंग एनिमेटेड मूवीज जो आप देखते हो वो भी कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इन फील्ड ऑफ द डिज़ाइनिंग।
किसी भी चीज़ को आप डिज़ाइन बनाना होता है, चाहे वह घर हो, ऑफिस हो, उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ज्वेलरी है, क्लॉथ्स है, द डिजाइनर ऑफ डिजाइन बुक्स, क्लॉथ्स, ज्वेलरी एसेट्रा। कंप्यूटर में डिजाइनर जो है डिजाइन बुक्स तैयार करते हैं, क्लॉथ्स की हो, ज्वेलरी की हो, घर की हो, किसी भी चीज़ की डिजाइन आप कंप्यूटर में बनाकर रखते हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ डिजाइन बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट जो है बिल्डिंग्स की डिजाइन बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट द इंजीनियर्स टू डिजाइन कार्स, एरोप्लेन्स, रॉबोट एसेट्रा। एंड इंजीनियर कार, एरोप्लेन एंड रॉबोट्स का डिजाइन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, यानी आर्मी में इसका क्या यूज़ किया जाता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डिफेंस इक्विपमेंट, सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाते हैं आर्मी में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। कंट्रोलिंग मिसल्स को कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा ही। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रिमिनल्स, सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। कीपिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सेवरल पुलिस स्टेशन, और सारे पुलिस स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। अब यूजेज ऑफ कंप्यूटर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके टू द मेन पॉइंट्स पर हम एक बार वापस ध्यान देंगे। एट होम अ कंप्यूटर इज यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवी, प्लेइंग गेम्स एंड मेकिंग प्रोजेक्ट। घर पर हम कंप्यूटर का यूज़ म्यूजिक सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए एंड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, अ टीचर कैन टीच द स्टूडेंट बाय यूजिंग कंप्यूटर, टीचर जो है कंप्यूटर के माध्यम से भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर आर यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पैसेंजर, रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का यूज़ सभी पैसेंजर के रिकॉर्ड्स रखने के लिए किया जाता है। इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर टू डिजाइन कार, बसेस, एरोप्लेन एसेट्रा। एंड इंजीनियर्स कंप्यूटर पर डिजाइन कार, बसेस एंड एरोप्लेन के डिजाइन बनाकर रखने के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एनिमेटेड मूवी, और कंप्यूटर पर एनिमेटेड मूवी को भी बनाने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंटेलिजेंस डेवलपर, अगर आपने बच्चों एक्सरसाइज को ध्यान से देखा होगा, जब मैंने पढ़ाया होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट्स। नंबर 1, अ कंप्यूटर कैन बी यूज टेक आउट मनी फ्रॉम, मनी हम कहाँ से निकालते हैं, ATM से, ऑफिस से, ATM, करेक्ट आंसर इज ATM। नेक्स्ट नंबर 2, अ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर आई टेस्टिंग इन हॉस्पिटल्स या बैंक, हम आई को टेस्ट कराने कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल्स में। नंबर 3, अ कंप्यूटर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बैंक अकाउंट्स इन बैंक, कंप्यूटर्स में हम बैंक के अकाउंट के सारे रिकॉर्ड्स हम कहाँ रखते हैं, घर पर या बैंक में, बैंक में। नंबर 4, कंप्यूटर आर यूज टाइप लेटर एंड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स पे हम करते हैं या ऑफिस में करते हैं, कंप्यूटर का यूज टाइपिंग लेटर और डॉक्यूमेंट के लिए तो हम ऑफिस में करते हैं। एंड नंबर 5, टीचर्स यूज कंप्यूटर इन स्कूल फॉर टीचिंग, स्कूल्स या होम, टीचर्स जो है कहाँ होते हैं, स्कूल में, तो स्कूल में वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग कॉलम, आल्सो कलर ईच बॉक्स इन कॉलम बी विथ सम कलर्स एज शोन इन द कॉलम ए, कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है। पहला है आपका फॉर रिजर्वेशन ऑफ टिकट, टिकट रिजर्वेशन हम कहाँ करवाते हैं, रेलवे या एयरपोर्ट पे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, रेलवे, तो दिस इज रेलवे, ये मैच इससे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द बैंक, बैंक में अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स जो बैंक में होते हैं वो मेंटेन कहाँ किए जाते हैं, बैंक में किए जाते हैं, तो ये इससे मैच हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया फॉर सेंडिंग लेटर्स, लेटर को हम सेंड कहाँ करते हैं, ईमेल पर। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के रिकॉर्ड्स हम कहाँ मेंटेन करते हैं, पेशेंट कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल्स में,
तो उसके रिकॉर्ड हम कहाँ मेंटेन करेंगे? हॉस्पिटल में। एज टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स जो है कौन यूज़ करता है? टीचर। तो टीचर कहाँ होते हैं? स्कूल में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे सी। इन सर्कल द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज विद द हेल्प ऑफ द हिंट गिवन एंड लॉन्ग साइड इन द हेल्प बॉक्स। ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं और ये कुछ हमें हिंट्स दिए गए हैं, इसको हमें इसमें फाइंड करके बताना है प्लेसेस कहाँ पर हैं। पहला है बैंक, बैंक यहाँ पर हो गया आपका। नेक्स्ट शॉप, दिस इज शॉप। मॉल्स, मॉल्स। रेलवे, रेलवे। एंड लास्ट ऑफिस, ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी हम देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों ध्यान से देखेंगे। मेंशन टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक। बैंक में कंप्यूटर का क्या यूज़ किया जाता है? पहले भी हमने पढ़ा था एक्सरसाइज में। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट एंड रिसीव। बैंक से हम जो भी पेमेंट रिसीव करते हैं या निकालते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ बैंक में किया जाता है। और दूसरा यूज़ टेकिंग मनी फ्रॉम ATM। ATM से हम मनी जो निकालते हैं उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर टू, हाउ कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन ऑफिस। ऑफिस में कंप्यूटर का क्या यूज़फुल है, क्या यूज़ है कंप्यूटर्स का, या कैसे उपयोगी है ऑफिस में कंप्यूटर्स? टाइपिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट। ऑफिस में लेटर्स और डॉक्यूमेंट को टाइप किया जाता है। एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, मेल को सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है, ये कंप्यूटर के द्वारा ऑफिस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर व्हाट पर्पस कंप्यूटर इन यूज इन स्कूल। आपके स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज़ किया जाता है? मेकिंग टेस्ट पेपर एंड रिपोर्ट्स कार्ड। कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में टेस्ट पेपर बनाने के लिए किया जाता है एंड रिपोर्ट्स कार्ड करने के लिए, रिपोर्ट्स कार्ड बनाने के लिए। और नेक्स्ट यूज़, प्रिपेयरिंग टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट टू यूजर्स ऑफ कंप्यूटर इन योर होम। आप अपने घर में कंप्यूटर्स का क्या यूज़ करते हो? लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवी, गाना सुनने के लिए और मूवी देखने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हो। एंड देन मेकिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ घर में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। हम चैप्टर के बाद ओलंपियाड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी बताएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।